कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बॉक्स लगा हुआ होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, बट बिल्कुल ऐसा गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ये बॉक्स जो होते हैं वो आयरन के होते हैं। और इसके ऊपर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रेलवे ट्रैक के साइड में जो बॉक्सेस लगे होते हैं ये किस लिए लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है। और मे भी आपको पता होगा कि एक्सेल काउंटर बॉक्स होते हैं, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में मैं इसके अंदर की सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये कैसे काम करता है, कितने वोल्ट्स पे ऑपरेट होता है। और जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अकॉर्डिंग शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको एक सही नॉलेज मिल सके जिससे आप डाइवर्ट ना हो। तो पहली चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो बॉक्स लगा हुआ होता है वो एल्यूमिनियम का होता है, बट बिल्कुल ऐसा गलत है, बिल्कुल भी गलत है। ये बॉक्स जो होते हैं वो आयरन के होते हैं और इसके ऊपर निकल की कोटिंग कर दी जाती है, ताकि इसके ऊपर कोरोजन यानी कि जंग ना लग सके, इसलिए इसके ऊपर निकल की कोटिंग कर दी जाती है और ये बॉक्स आयरन के ही होते हैं। और दूसरी चीज़ बात करेंगे कि जो सेंसर हमारा लगा हुआ होता है रेलवे ट्रैक पे, उससे हमारा ये बॉक्स कनेक्टेड होता है, यानी कि वो सेंसर हमारा व्हील्स को रीड करता है और इस बॉक्स को इन्फॉर्मेशन देता है, ये नेक्स्ट स्टेशन पे इसको भेजता है। तो अब बात कर लेते हैं, वो जो सेंसर लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं, वो होता है हमारा एक्सेल काउंटर। तो एक्सेल काउंटर वो होता है हमारा। अब एक्सेल काउंटर कितने टाइप्स के होते हैं, एक्सेल काउंटर के भी कई टाइप्स होते हैं, और इसके बाद हम आएंगे कि एक्सेल काउंटर वर्क कैसे करता है। तो एक्सेल काउंटर जो होता है दो टाइप्स का होता है, होता है सिंगल एक्सेल काउंटर, एक होता है मल्टी एक्सेल काउंटर। अब सिंगल एक्सेल काउंटर क्या होता है, तो सिंगल एक्सेल काउंटर वो होता है जहाँ पे सिंगल रेलवे ट्रैक होता है, यानी कि जैसे कि आप मालगाड़ी के लिए ले सकते हो, तो सिंगल ट्रैक होता है, उसी पे ही जाती है, उसी से ही आती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे एक ट्रेन का आना जाना लगा रहता है, वो भी कुछ कुछ टाइम बाद, तो इसलिए वहाँ पे सिंगल ट्रैक का यूज़ करते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें तो मल्टी ट्रेन्स हो, यानी कि जहाँ पे पैसेंजर्स ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, वहाँ मल्टी एक्सेल काउंटर लगा हुआ होता है, जहाँ पे कई ट्रेन्स चलती हैं, तो कई ट्रेनों के जो सेंसर लगे होते हैं हर एक ट्रैक पे लगा के, और उन सब का कनेक्शन एक बॉक्स के साथ जोड़ दिया जाता है, या फिर दो बॉक्स लगा दिया जाता है, तो वहाँ पे हमारे मल्टी एक्सेल काउंटर यूज़ होते हैं, या फिर जहाँ पे बार बार ट्रेन्स का आना जाना होता है वहाँ पे मल्टी एक्सेल काउंटर का यूज़ करते हैं, और सिंगल ट्रैक में हमारा सिंगल एक्सेल काउंटर का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत क्यों की गई। तो अब शुरुआत इसकी इसलिए की गई कि पहले जो ट्रेन्स चलती थी उसमें यह सिस्टम नहीं था। अब सिस्टम नहीं था तो कभी कभी बोगीज पीछे छूट जाती थी और ट्रेन आगे निकल जाती थी, तो इससे क्या होता था कि नुकसान हो जाता था। 1980 में यानी कि 1980 में इसका इन्वेंशन किया गया था। तो ये तो बात हो गई कि एक्सेल काउंटर क्या होता है, कैसा होता है, कब बना। अब बात करते हैं कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं और कितनी डिस्टेंस पे इसको कनेक्ट करते हैं। तो दो ट्रैक्स बिछे हुए होते हैं, एक लेफ्ट होती है, एक राइट होती है। एक एक्सेल काउंटर को फिट कर दिया जाता है लेफ्ट साइड में और वहाँ से एक बॉक्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर जस्ट 10 मीटर के अंडर की डिस्टेंस में, यानी कि 10 मीटर के अंडर की डिस्टेंस में एक दूसरे सेंसर को कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से एक टाइम पे लेफ्ट और राइट दोनों काउंट होते थे, तब वो सिग्नल नेक्स्ट सिग्नल को पास करता है कि अब ट्रेन जा सकती है, कोई ख़तरा नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि हमारा एक्सेल काउंटर कहाँ पे इंस्टॉल किया जाता है। अब इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन एक्सेल काउंटर के अंदर आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो चीज़ें ली गई हैं, एक लेफ्ट और राइट में। यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है, दोनों को ट्रैक के जस्ट अपोजिट में सेट कर दिया जाता है और इसको होल्ड कर दिया जाता है। तो वहाँ से ट्रांसमीटर और रिसीवर से जो हमारे वायर्स होते हैं वो कनेक्ट करके हमारे बॉक्स के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। अब बॉक्स के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज होती है उसे बोलते हैं SSDAC। ये डिवाइस एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हमारे ये ट्रांसमीटर और रिसीवर के सेंसर्स कनेक्ट होते हैं, जो हमारे सिग्नल को काउंट करते हैं, डायरेक्शंस बताते हैं और नेक्स्ट सिग्नल को डेटा पास करते हैं। और इसके अंदर दो रिलेज लगी होती हैं, एक होती है VR और एक होती है CR रिले। ये रिलेज क्या काम करती हैं ये थोड़ा सा आगे मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, पहले आप जान लीजिए कि इसके अंदर जो दो रिलेज होती हैं वो होती है VR और PR। इसका जो सबसे मेन पार्ट यानी कि इसकी जो पावर सप्लाई है उसको क्या बोलते हैं, सरज वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस। तो ये तो हो गया कनेक्शन की बात, सप्लाई की बात। और जो हमारा SSDAC ये हमारा कनेक्ट होता है जस्ट 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के आगे के एक बॉक्स से, जो कि हमारे सिग्नल के साथ कनेक्टेड होता है और वो डेटा प्रोवाइड करता है कि आपकी जितने भी बोगीज आई थी वो सारी की सारी आ चुकी हैं, आप नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेन पर्पस इसका ये होता है कि ट्रेन को सिग्नल देना कि आपका जितना भी डेटा आया हुआ है वो डेटा सही से आ चुका है और आप आगे जा सकते। ये तो बात हो गई कनेक्शन की, वोल्टेज की। और ये सारा सिस्टम जो होता है वो 24 DC वोल्टेज पे काम करता है, यानी कि इसके अंदर DC वोल्टेज का कनेक्शन होता है जो कि 24 वोल्टेज पे काम करता है। और इसके अंदर बैटरीज भी होती हैं, कभी भी लाइन अगर इस सिस्टम्स की कट जाती है तो इसके लिए DC वोल्टेज ज़रूरी होता है, जो कि हमारे एक्सेल काउंटर में यूज़ होता है। तो अब बात कर लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो ट्रांसमीटर सिग्नल में, यानी कि ट्रांसमीटर जो हमारी कॉइल होती है उसके अंदर सप्लाई दी जाती है और वो हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करती है। जो दो कॉइल्स लगी होती हैं, एक ट्रांसमीटर और रिसीवर्स, तो दोनों के अंदर हमारा 23 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल पास होता है,
जो कि एक दूसरे को ओवरलैप करता है, ओवरलैप हमेशा करता रहता है, तो उससे एक सिमेट्री पाथ क्रिएट होता है जो कि हमारे रिसीवर कॉइल में जाता है और वो सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है हमारे रिले को। तो हमारा रिले फर्स्ट स्विच पे सेट रहता है और हमारा जो सिग्नल रहता है वो, तो जिससे हमारा सिग्नल जो है वो मेंटेन रहता है। अब क्या होता है, जब भी व्हील्स उसके ऊपर से निकलते हैं तो जिसकी सिमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब सिमेट्री डिस्टर्ब होने से जो हमारा रिसीवर कॉइल का फ्रीक्वेंसी है यानी कि 23 किलो हर्ट्ज, वो रिसीव नहीं होती है। अब वो रिसीव नहीं होती है तो जो हमारा रिले है उसका जो स्विच है वो सेकंड ट्रिप पे चला जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारा सिग्नल है वो कुछ और डेटा प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से ये डेटा प्रोवाइड करता रहता है, फिर इस डेटा को ये फटाफट से काउंट कर लेता है। तो जितनी बार हमारे व्हील्स इसके ऊपर से जाते हैं उतनी बार इसकी सिमेट्री डिस्टर्ब होती है और वो सारा डेटा ये स्टोर कर लेता है अपने पास, फिर ये डेटा नेक्स्ट सिग्नल को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट सिग्नल जस्ट इसके 10 मीटर के अंडर में लगा हुआ होता है, ये उसको भी ये डेटा प्रोवाइड करता है। जब ये और दोनों का डेटा मैच हो जाता है तब ये डेटा नेक्स्ट सिग्नल को प्रोवाइड होता है और वो सिग्नल ग्रीन होता है कि आप जा सकते हैं। तो इसके अंदर जो रिले लगी होती है वो 8 वोल्ट DC पे वर्क करती है। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास सिमेट्री सिग्नल है, ये हमेशा प्रॉपर फॉर्म में बना है, लेकिन जैसे ही व्हील आएगा तो इसके अंदर जो है 10-15% का हमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इसका कम हो जाएगा। तो जितनी बार ये कम होगा ये हमारा जो SSDAC सिस्टम होता है ये इसको काउंट कर लेता है और जस्ट यही डेटा हमें नेक्स्ट सिग्नल को प्रोवाइड करता है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था, मे बी आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल काउंटर किस तरीके से काम करता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर रेगुलर प्रोवाइड कराते रहते हैं।